नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। यूपी और बिहार की राजनीति का जवाब नहीं, यहां राजनीति में वो सब कुछ देखने को मिलता है जो कहीं और नहीं दिखता। यहां की सियासत को समझने वाले कभी कंफ्यूज तो हो सकते हैं, लेकिन जैसे तैसे पॉइंट पर तो आ ही जाते हैं। बिहार की राजनीति की बात करें तो यहाँ बीजेपी ने फिर मास्टर स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिया है, मगर खास बात यह है कि बीजेपी को रोकने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 18 नवंबर से बिहार में गिरिराज सिंह की हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा वो शुरू करने जा रहे हैं। सबसे खास बात इसमें यह भी है कि 5 जिले मुस्लिम प्रभाव वाले हैं और बीजेपी की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। लेकिन इसीलिए देखे तो केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार की बड़ी सहयोगी नीतीश कुमार की जेडीयू ने इस यात्रा का खुलेआम विरोध कर दिया है। ये कह दिया है कि नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड का सभी धर्म और वर्गों के प्रति सम्मान है, इसीलिए वो नफरत फैलाने वाली राजनीति का साथ नहीं देगी। तो वहीं तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया, जिसके बाद नए कयास लगाए जा रहे हैं। उन्होंने एक तरीके से धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर कोई भी बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो आरजेडी चुप नहीं बैठेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार और उनकी पार्टी गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर गुस्से में है, या क्या इस मुद्दे पर नीतीश कुमार एनडीए से अलग भी हो सकते हैं। दरअसल इसे नीतीश कुमार के एक बार फिर पर्दे के पीछे यानी कि बीजेपी से दूरी बनाने की राजनीति के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार वर्तमान में लगातार कहते रहे हैं कि वो अब किसी भी हाल में एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाल में कुछ एक कदमों से सियासी संदेह गहरा जरूर हो गया। कैसे ये भी बता देते हैं। बीते 7 अक्टूबर को नक्सल प्रभावित जिलों में स्थिति और विकास पर गृह मंत्रालय की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जाना था, लेकिन वो नहीं गए। अब गिरिराज सिंह की यात्रा के मुद्दे पर जेडीयू और राजद का एक स्वर में बात करना इतना ही नहीं, बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की बैठक में भी नीतीश कुमार नहीं गए थे। यानी कि देखा जाए तो हाल के दिनों में नीतीश कुमार भी बार बार ये कह रहे हैं कि वो एनडीए से अलग नहीं होंगे, लेकिन उनके कदमों से ये भी कहा जा सकता है कि वो अपनी पलटू राम की छवि से इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलने वाले। ऐसे में लगता है बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी के मुद्दों को लेकर पास पास और दूर दूर वाली राजनीति चलती रहेगी, केंद्र और बिहार में सरकार भी चलती रहेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।